गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आलोकन अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने आपको हिंदी के जो वर्ण विचार के बारे में आप कुछ क्लासेस में पढ़ाया था, आज उन्हीं से आगे हम जो है हिंदी के वर्ण विचार में जो उनकी जो कैसे उनका उच्चारण होता है, उनकी उच्चारण प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इन सब पर आज हम विस्तार से विचार करेंगे। और ये देखेंगे कि जो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जो हमारा वाग्य यंत्र है, वो कैसे एक एक ध्वनि के उच्चारण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पूर्णतः सक्रिय होते हैं, कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो कि पूर्णतः सक्रिय नहीं होते हैं, कम सक्रिय होते हैं, और कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो कि बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं। तो ऐसे हम इसको विस्तार से देखेंगे कि हिंदी के जो वर्णों की जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है, या हिंदी की ध्वनियों के जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है, वो कैसे काम करती है, और उसमें आप कैसे उसके बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, आप पाएंगे कि हिंदी के जो उच्चारण होता है, हिंदी वर्णों का जो उच्चारण होता है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक होता है उच्चारण स्थान, और दूसरा होता है उच्चारण विधि, इसको प्रयत्न भी बोलते हैं। अगर हम अंग्रेजी में इसकी बात करें तो पहले को बोलते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और दूसरे को बोलते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है, वो ध्वनियों के उच्चारण में मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको साधारण से साधारण भाषा में समझा जा सकता है। उच्चारण स्थान का मतलब है वे स्थान जो ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण की प्रक्रिया में, ध्वनियों के उत्पादन में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरे का सिंपल सा अर्थ है उच्चारण विधि, विधि का मतलब तरीका, प्रयत्न, कि कौन सी ध्वनि के उच्चारण में किस विधि से, किस प्रक्रिया से, किस प्रयत्न से उसका उच्चारण किया जाता है, इन दोनों चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। आप देखेंगे तो आगे इसमें हम आपको एक एक चीज़ का विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि भाई ध्वनियों का जो वर्गीकरण है, या वर्णों का जो वर्गीकरण है, जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि उच्चारण स्थान और उच्चारण विधि दो तरीकों पर निर्भर करता है, तो पहले पे हम विचार करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में, और उच्चारण स्थान में कौन कौन से स्थान जो है वो वाग्य यंत्र में, हमारे वोकल कॉर्ड में होते हैं, जो कि ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगर हम बात करते हैं ध्वनियों या ध्वनि, जैसा मैंने आपको पहले की क्लास में एक दिन बताया था कि हम जब ध्वनियों की बात करते हैं, भाषा ध्वनियों की बात करते हैं, तो भाषा ध्वनियों की और ध्वनियों से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें हमने मुख्य जो यूनिट जो है, मुख्य जो इकाई है, मुख्य जो तत्व है, वो हमारी प्राणवायु है जो फेफड़ों से बाहर निकलती है। आप ये भी जानते हैं कि आजकल जो है सबसे ज़्यादा संकट है वो फेफड़ों पर ही है, और वो जो कोरोना का जो कहर जो चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा उस पर जो है फेफड़े ही प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो ध्वनियों की जो प्रक्रिया है, ये भी उन्हीं फेफड़ों पर निर्भर करती है, उसी प्राणवायु पर निर्भर करती है जिसकी पूरे देश में किल्लत है, और वो हमारी बॉडी में से जिस तरह से बाहर आती है उसके हिसाब से उसका उच्चारण होता है। अगर हम बात करते हैं भाषा ध्वनियों की, तो ध्वनि तरंगों की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा भाषा की उपयोगिता को हमारे सार्थक बना पाती है। इस गुण की वजह से ही भाषा ध्वनियों को हम उनकी बारीकियों को पहचान पाते हैं, और भाषा संप्रेषण संभव बन पाता है। जो हमारा जो जो आपसी जो
विचारों या भावों का जो आदान प्रदान है, जिसको हम भाषा कहते हैं मोटे रूप में, उसका संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, वो संप्रेषण की प्रक्रिया तभी संभव हो सकती है जब हम अच्छे से और एक्यूरेट जो जिस ध्वनि को हमें उच्चरित करना है वही ध्वनि हम उच्चरित करें। तो हमारी जो अर्थ संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, अर्थ संप्रेषण की प्रक्रिया को हम और अच्छा बना सकते हैं और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। उच्चारण की प्रक्रिया में ध्वनि वाग्यंत्र में, ध्वनि वाग्यंत्र का मतलब ये है, ये वाग्यंत्र है, आप इसको देखेंगे तो इसमें जैसा मैंने आपको शुरू में एक स्लाइड्स की जो डायग्राम बताए थे उसमें आपको बताया था कि ये हमारा जो है स्वर यंत्र है और इसको हम स्वर यंत्र मुख कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्लोटल बोलते हैं। दूसरा जो है वो कोमल तालव्य है, ये जो तालु के जो पीछे का जो हिस्सा है इसको जो है कोमल तालव्य बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको विलर बोलते हैं। उसके बाद जैसे हम मुंह में आगे चलते हैं बाहर की तरफ तो एक बीच का हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हम सामान्य तालु बोलते हैं और इसको जो है मूर्धा भी बोलते हैं। फिर उसके आगे का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कोमल ताल कठोर तालव्य बोलते हैं। और उसके आगे का जो हिस्सा है, जो हमारे दांतों के ठीक पीछे का हिस्सा जो होता है, इसको हम मसूड़े बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में एल्वियलर बोलते हैं। और उसके बाद हमारे दोनों होठ है, ऊपर का होठ और नीचे का होठ, इन दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, इसको हम द्व्योष्ठ बोलते हैं, दोनों होठों की जो प्रक्रिया होती है उसी को। फिर एक होता है दंतोष्ठ, आप देखते हैं कई सारी जो ध्वनियों हैं उनके उच्चारण में दांत और होठ मिलकर के उनका उच्चारण करते हैं, उनको दंतोष्ठ ध्वनियाँ बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में लेवियोडेंटल बोलते हैं। और एक जो होती है वो दांतों से ध्वनियाँ बोली जाती है जो कि उसको अंग्रेजी में जो है दंत बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे इसको संवेद रूप से समझें, निष्कर्ष रूप में समझें, एक यूनिट के रूप में समझें, तो आप पाएंगे कि मोटे रूप में हमारी ध्वनियों के उच्चारण के जो स्थान है वो पहला है स्वर यंत्र, दूसरा है कोमल तालु, तीसरा है तालु, चौथा है कठोर तालु, पांचवा है मसूड़े, छठा है द्व्योष्ठ, सातवां है दंतोष्ठ, आठवां है दंत, और आप एक यहाँ पे जो है एक आपका यहाँ पीछे छूट गया ये कोवा। तो ऐसे करके जो आठ जो होते हैं वो ध्वनियों के उच्चारण के स्थान मोटे रूप में होते हैं, जिसका हम एक एक करके एक एक की जो विशेषता के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, उसकी क्या भूमिका है ध्वनियों के उच्चारण में, उसके आधार पर एक एक को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि सामान्यतः फेफड़ों में कुछ ऊपर श्वास नली और भोजन नली के निचले हिस्से से होकर भारी होठ तक का एक हिस्सा है, उसको हम वाग्यंत्र बोलते हैं, वाग्यंत्र कहलाता है। ये जो वाग्यंत्र है जो मैंने आपको अभी इस वाली जो स्लाइड में जो आपको बताया, ये सारा का सारा जो आठों तत्व जो है ये मिलकर के, आठों जो स्थान है वो मिलकर के हमारे वाग्यंत्र की जो है सृजना करते हैं, उसे बनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से पहले जो है आपको जैसे मैंने अभी उसमें डायग्राम में बताया, स्वर तंत्रियाँ हैं, स्वर यंत्र मुख है, अलजिव्या है जिसको आप कोवा भी बोलते हैं, जिव्या के भाग हैं, जिव्या के जो विभिन्न भाग हैं ये पांच भाग हैं जिसको हम आगे आकर के डिस्कस करेंगे, नासिका विवर है, विवर का मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, आपको ज़्यादा उसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, नासिका छिद्र है उसी को विवर बोलते हैं भाषा विज्ञान में। फिर एक मुख विवर है, कोमल तालु है, कठोर तालु है, वर्त्स है, सम्मुख के दांत हैं, होठों की विशेष जो सक्रिय भूमिका होती है उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई, वो दोनों होठ मिलकर भी बना सकते हैं आप, नीचे का जो होठ है वो दांतों के साथ मिलकर के भी उसकी ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आप जैसे अभी हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया, आगे भी उसको हम समझाएंगे, तो अगर हम इसको काउंटिंग करें तो हम पाएंगे नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ग्यारह, टोटल मिलाकर के ग्यारह जो हो हैं वो हमारे जो ध्वनियों के उच्चारण के स्थान होते हैं, इनकी अलग अलग भूमिकाएं होती है।
ये 11 इसलिए हो गए, आप कहेंगे इधर तो 8 थे इधर 11 कैसे हो गए, तो जैसे मान लीजिए इसमें हमने इसको होठों की दो स्थितियाँ बता दी, इसमें जो होठों की जो विशेष स्थितियाँ है उसको हमने सक्रिय और निष्क्रियता के आधार पर दो बता दिया। आगे जब हम बात करेंगे ध्वनियों के उच्चारण की, तो ध्वनियों के उच्चारण कैसे होता है उसमें मैंने आपको बताया ध्वनियों का उच्चारण दो या दो से अधिक उच्चारण अवयवों के बीच घटित आपसी क्रिया प्रतिक्रिया से संभव होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है कि कोई भी दो अंग है, कोई भी दो अवयव हैं, वो ध्वनि को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, छूते हैं, रास्ता सकरा चौरा करते हैं, या उसकी जो दूसरी जो भूमिका है वो निभाते हैं। ऐसे जो ध्वनियों का जो उच्चारण है, ध्वनियों जो हमारी जो प्राणवायु बाहर निकलती है तो उसको जो है कम से कम दो अवयवों का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में हम उसकी जो ध्वनियों का हम उच्चारण कर पाते हैं। ध्वनियों और वर्गों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसके दो प्रमुख आधार हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको एक को हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बोलते हैं और दूसरे को जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बोलते हैं। उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले अवयवों और उच्चारण की प्रक्रिया का अध्ययन हम भाषा विज्ञान की जो शाखा है ध्वनि विज्ञान उसके अंतर्गत करते हैं, और जिस जो ध्वनियों का जो उत्पादन है, ध्वनियों का जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको हम ध्वनि विज्ञान की औच्चारणिक जो ध्वनि विज्ञान की जो शाखा है उसके अंतर्गत करते हैं। आप अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जगह अगर इसमें बात करें, वैसे तो हम सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझाने के बाद इनके बाद अलग से इनके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम अलग से बात करेंगे, बच्चों की रेफरेंस के तौर पर संदर्भ के तौर पर हम ये देख सकते हैं। तो हम इसको पाते हैं कि मोटे रूप में अगर हम स्लाइड उसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है उच्चारण स्थान क्या होते हैं, ध्वनियों के उच्चारण के स्थान जो सम्मिलित होते हैं उनको उच्चारण स्थान बोलते हैं। दूसरा है उच्चारण विधि क्या होती है, ध्वनियों के उच्चारण की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रयत्न का, किस विधि का, किस तरीके का सहारा लेते हैं वो उसको अगर हम बात करते हैं तो उच्चारण विधि होती है। तीसरी बात आती है उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, तो उच्चारण स्थान में आप इन सारी चीज़ों को गिना सकते हैं, स्वरतंत्रियाँ हैं, स्वर यंत्रमुख है, अलजिव्या है, जिव्या के भाग हैं, नासिका विवर है, मुख विवर है, कोमल तालु है, कठोर तालु, ये सारे के सारे जो है उच्चारण स्थान होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके ध्वनियों के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार कौन से हैं, तो वही उच्चारण स्थान और उच्चारण विधि होती है। और अगर हम बात करें कि ध्वनियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ध्वनियों का अध्ययन भाषा विज्ञान की ध्वनि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और ध्वनि विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ध्वनियों के उत्पादन से संबंधित औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान है, जैसा कि हमने आपको पहले की क्लासेज में बताया था कि ध्वनि विज्ञान की तीन शाखाएँ होती है जिसमें ध्वनियों का उत्पादन जो है वो औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम उच्चारण अवयवों का एक परिचयात्मक विवरण हम ले लेते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे ध्वनियों का जो उच्चारण है उसको हम समझ सकते हैं। तो उच्चारण में प्रयुक्त अवयवों का स्थान और परिचयात्मक विवरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जैसा मैंने आपको बताया था कि गले में एक स्थान होता है जो कि जिस पे आकर के जो हमारी जो प्राणवायु है जो फेफड़ों से निकलती है, वो प्राणवायु फेफड़ों से निकलने वाली जो सांस वायु है वो सबसे पहले आकर के स्वर यंत्र पे आकर के टकराती है। स्वर यंत्र पे टकराने के बाद उसकी एक कैरेक्टर बनता है, उसका एक चरित्र बनता है, उसकी एक विशेषता बनती है कि वो ध्वनि कैसी होगी, उस ध्वनि का स्वरूप कैसा होगा। उस ध्वनि के उच्चारण के बाद स्वर यंत्र से वो आगे निकलती है तो फिर वो दूसरे अंगों में अवयवों में जा करके टकराती है, या उससे घर्षण करती है, या उससे छूती है, जो भी काम करती है उसके आधार पर उसका कैरेक्टर बनता है। तो सबसे पहला जो है हमने आपको बताया, पहला है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र श्वास नली का ऊपरी हिस्सा है, जैसा कि हमने आपको पिछले पहले उसमें बताया था कि भाई जैसे ही श्वास नली से ऊपर निकलते हैं तो वो वहाँ पर एक जो स्थान है उसको हम स्वर यंत्र बोलते हैं। श्वास नली छल्लों और झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। तो आपको अगर सवाल कोई पूछता है, कोई अगर इतना डीपली कोई एग्जामिनर आपका पेपर सेट करता है कि भाई स्वर यंत्र किससे बनता होता है, तो आपको सिंपल सा उसका ऑब्जेक्टिव जो जवाब है उसका है श्वास नली जो है छल्लों और झिल्लियों से बनती है। श्वास स्वर यंत्र के मध्य सामने के पीछे की ओर दो क्षितिज लचकदार तंतु हैं जिनका मुख्य काम सांस के आने और जाने के साथ क्रम से खुलना और बंद होना है।
अर्थात सामान्य अवस्था में ये फैले रहते हैं, जिसके से स्वर यंत्रमुख का रास्ता बंद हो जाता है। और ये जो स्वर यंत्रमुख है, ये आप डिटेल में, चूँकि आपको भाषा विज्ञान नहीं पढ़ना है, आपको साधारण तौर पर एक कंपटीशन की तैयारी के तौर पे आपको पढ़ना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इससे जो चार पांच जो चीज़ें हैं, ये पांचों जो चीज़ें हैं ये मिलकर के स्वर यंत्र का निर्माण करती है। और ये जो पांचों जो चीज़ें हैं, ये जो हमारी जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियाँ होती है, उसकी आगे की स्लाइड में हम डिटेल में बात करेंगे, तो उसके आधार पर जो है इसका जो है निर्धारण होता है। ठीक इसी तरह जैसे कि किवाड़ बंद होते हैं और घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, इन तंतुओं के ऊपर स्वर तंत्रियाँ कहते हैं, और इनके हट जाने से जो मार्ग खुलता है उसको स्वर यंत्र मुख बोलते हैं। तो आपने इसमें देखा स्वर यंत्र किसे कहते हैं, स्वर तंत्रियाँ किसे कहते हैं, स्वर तंत्र जो है वो स्वर यंत्र जो होता है वो कैसे काम करता है, वो एक दरवाजे के जो दुपल्ले जो किवाड़ होते हैं उसके आधार पर काम करता है कि वो दरवाजे के किवाड़ बंद होते हैं तो वो उसका रास्ता बंद हो जाता है, ऐसे ही स्वर तंत्रियाँ सिकुड़ जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है, जैसे दरवाजे के किवाड़ खुलते हैं तो हवा बाहर निकलने लगती है, वैसे के वैसे ही जो स्वर तंत्रियाँ उसको जगह देती है तो वो आगे जा करके ध्वनियों का उत्पादन करने लगते हैं। ध्वनियों के वैज्ञानिक अध्ययन और उत्पादन में भी स्वर तंत्रियों की प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्वर तंत्रियों की जो भूमिका वो कैसे निर्धारित होती है, वे ध्वनियों के उत्पन्न करने के साथ उनके गुण को भी प्रभावित करती है, उनकी मात्रा और तीव्रता को भी बढ़ा देती है। ध्वनि उत्पादन की दृष्टि से स्वर तंत्रियों की अनेक अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, ये हम आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ हम इतना ही बताएंगे कि ये जो सारे के सारे जो पाँच जो चीज़ें हैं ये मिलकर के स्वर यंत्र बनता है, और स्वर यंत्र में जो है लचकदार जो तंतु होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो उसके जो है किवाड़ों के जैसे काम करती है, जो खुलती और बंद होती है, और हवा को रास्ता रोकती है और रास्ते को रास्ता देती है, इस तरह की जो उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो भूमिका है वो पूरी होती है। आगे जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले, जैसा कि पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि स्वर तंत्रियों की जो स्थिति है उसकी जो हमने जो है छह अवस्थाएं आपको बताई है पिछले उसमें स्लाइड में, तो जो छह अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ये देखिए, ये जो रास्ता जो बना हुआ है, ये संकरा सा रास्ता बना हुआ है, इसमें जो है ये तंतु जो है, जो तंत्रिकाएँ हम आपको बता रहे थे, ये जितनी सीधी होती है उतनी ही जो ध्वनि जो होती है वो ज़्यादा कंपन युक्त होती है, ज़्यादा सुरीली होती है, ज़्यादा उसमें जो है मीठापन होता है, मिठास होता है। दूसरी जो स्थिति होती है उसमें जो हवा निकलती है तो ये कुछ फैली हुई होती है जिसमें इस तरह का रास्ता बना देती है। और तीसरी जो अवस्था होती है उसमें जो है ये नीचे से ये प्रेशर जो बनाती है, आप इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो पाएंगे इसमें जो है आपको ये पोजिशन नहीं दिखाई देगी, इसमें ये पोजिशन भी स्ट्रेट है, और इसमें ये इसको जो ये जैसे ये फैलती है तो ये जो है सीधी होना शुरू कर देती है। आप नेचुरल सी बात है, जब इस तरह से खींचते हैं तो वो जो उसके जो धागे के या उसके जो रबर के जो सिरे हैं वो दोनों मिलते रहते हैं, जैसे आपने छोटे बचपन में आपने देखा हो, आपने वो गिर्री चलाते थे, जो फिरकनी जिसको हम बोलते हैं, उसको ऐसे जितना घुमा खींचते थे उतने ही वो टाइट हो करके और वो एक दूसरे से नज़दीक आ जाते थे, जैसे ढीला छोड़ते थे तो वो उनमें दूरी बन जाती थी। सेम यही जो प्रक्रिया है वो भाषा के बनने की और बिगड़ने की है। चौथी जो स्थिति है उसमें देखिए, ये यहाँ पे जो है इसमें स्पेस है, फिर ये स्पेस यहाँ पे भी है, और ये जो दोनों जो इसके जो सिरे हैं वो दोनों अलग अलग हो गए हैं, एक इधर हो गया है एक इधर हो गया है। फिर जो पाँचवीं जो स्थिति है उसमें ये इसकी जो ग्लैंड्स हैं ये भी जो है दूर दूर हो गई हैं, और ये जो है इसको पूरा का पूरा हाईवे की तरह रास्ता बना दिया है। और एक छठी जो स्थिति होती है वो इसमें जो है पूरा का पूरा आप मेगा हाईवे जैसा बन जाता है। तो ऐसा जो है ध्वनियों के जो उच्चारण में जो स्वर यंत्र जो हमारा जो होता है, स्वर यंत्र जो है वो स्वर तंत्रियों से बना हुआ होता है। स्वर तंत्रियाँ जो होती है उनकी पांच या छह स्थिति होती है, मोटे रूप में हिंदी में उसकी पाँच स्थितियाँ मानी जाती है, जो है वो इस तरह की स्थितियाँ हैं। इसको अगर हम एक एक करके डिटेल में तफ्तीश से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, तो इसमें पाएंगे कि इनकी क्या क्या कौन कौन की भूमिका होती है। पहली जो अवस्था होती है स्वर तंत्रियों की जो है वो ढीली अवस्था। ढीली अवस्था से मतलब है
ये वाली अवस्था। इस अवस्था में या स्थिति में एक दूसरे के पास बल्कि छूती हुई होती है तो बाहर आने वाली सांस वायु का संपीड़न बनता है और वायु धक्के से बाहर निकलने लगती है, परिणाम स्वरूप इनमें अत्यंत तीव्र गति से कंपन उत्पन्न होता है, अर्थात वे तेजी से खुलने और बंद होने लगती है और ये घोषत्व की स्थिति होती है। दूसरी इसमें जो है वो तीव्र कंपन की नियमितता के कारण घोषत्व में संगीतात्मकता का उत्पन्न होती है, उसमें जो सुरीलापन आता है, सोनोरेंसी उसमें डेवलप होती है और ऐसी स्थिति में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की सभी स्वर जो दुनिया है, हिंदी के सारी जो स्वर दुनिया है वो सघोष है। व्यंजनों में सभी वर्गों की चौथी और सभी नासिक व्यंजन इसके उदाहरण हैं। अगर हम इसको अगर हम देखें तो घोषत्व की जो स्थिति है, घोष अघोष की जो प्रक्रिया है उसको हम वैसे तो आगे समझाएंगे आपको, पर आप देखेंगे तो अगर आप यहीं से समझ लीजिएगा तो जो व्यंजन जो ध्वनियाँ हैं, ये व्यंजन ध्वनियों के जो पांचों जो वर्ग हैं, पांच वर्गों में जो है वो तीसरी, जैसे क ख ग घ ए, ये जो पांचों हैं अगर आप इसको आप न्यूमेरिकल उसमें ले लेंगे तो एक दो तीन चार पाँच, इसमें से जो ये तीसरी और चौथी, ये जो दोनों जो ध्वनियाँ हैं ग और घ, या इसी सीक्वेंस में जो आगे की जो ध्वनियाँ हैं जो तीसरे और चौथे नंबर पे आती है, तो वो सारी की सारी जो ध्वनियाँ होती हैं वो सघोष होती है। और सघोष होने का कारण उसमें जो है स्वरतंत्रियों में जो कंपन ज़्यादा होता है और उसी स्थिति में हमारे जो स्वर हैं हिंदी के पूरे जो 11 जो स्वर हैं वो सघोष माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक मिलती है जो ये जो तीव्र कंपन की जो स्थिति है, क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी सॉफ्ट होती है उसमें उतना ही ज़्यादा कंपन होता है, तो महिलाओं की जो स्वरतंत्रियाँ या स्वरयंत्र मुख में जो ग्लैंड्स होती है, जो कोशिकाएँ होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो जो होते हैं महिलाओं की आवाज़ को ज़्यादा सुरीला और कोमल बनाती है, जिसकी वजह से महिलाओं की आवाज़ अधिक मधुर पाई जाती है। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर में जो स्थिति की जो पूरी दुनिया में अब तक जो सबसे सॉफ्टेस्ट जो स्वरतंत्रियाँ जो मिली है वो लता मंगेशकर जी की है, और इसीलिए उनकी आवाज़ जो है उसमें इतना सुरीलापन है। आगे इसमें दूसरी स्थिति की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो दूसरी जो स्थिति है वो स्वरतंत्रियों में अपेक्षाकृत दूर की स्थिति है, जो वो थोड़ी ज़्यादा दूर होती है, इसमें ये एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूर रहती हैं, जिसके कारण निकलने वाली सांस वायु किसी विशेष अवरोध से बाहर आती है और यहाँ कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता है। यह अघोषत्व की स्थिति होती है। हिंदी व्यंजनों के सभी वर्गों की पहली और दूसरी ध्वनियाँ इस अवस्था में आती है। जो अघोष जो ध्वनियाँ हैं पूरी जो हमारे जो पांच वर्ण हैं, पांच वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन पांचों की जो होती है वो पहली और दूसरी, जैसे क और ख, च और छ, ये जो ध्वनियाँ होती है वो अघोष होती है। और अघोष होने के पीछे की जो कहानी है उसमें जो स्वरतंत्रियाँ होती है वो थोड़ी सी दूर होती हैं और दूर होने की वजह से उनमें कंपन कम होता है। तीसरी जो स्थितियाँ हैं उसमें स्वरतंत्रियों में एक दूसरे के नज़दीक की स्थिति होती है। इस अवस्था में सांस वायु के निकलने से मार्ग स्वर यंत्र मुख को कुछ सकरा बना देती हैं, जिसे उच्चारण के समय थोड़ा घर्षण उत्पन्न होता है, और है के उच्चारण के समय यही स्थिति होती है और विसर्ग आपका जो होता है उसके उच्चारण के समय ये तीसरी स्थिति होती है। आप इसको अगर आप समझेंगे तो इधर इधर एक डायग्राम मैंने अलग से आपको दिखाया है, जिसमें ये क्लोज है, ये ओपनिंग की स्थिति है, ये ओपन फेज है, ये क्लोजिंग फेज है, ये क्लोज्ड फेज है, और ये जो दो स्थितियां जो होती है वो अलग तरह की जो स्थितियां होती है।
इसमें अगर हम चौथी बात करेंगे तो स्वतंत्रियों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई स्थितियाँ होती है, जैसे कि ऊपर के जो चित्र में हमने आपको बताया था, और यहाँ आप देखेंगे तो ये वाली जो स्थिति है दोनों एकदम से बिल्कुल नज़दीक की स्थिति में होती है। इस अवस्था में एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्षण भर जुड़ी हुई अवस्था में रहकर झटके से एक दूसरे से अलग हट जाती हैं, जिससे बाहर आने को आतुर वायु एक स्पोर्ट के साथ निकलती है, परिणामतः एक हल्का सा स्पोर्ट सुनाई पड़ता है। इसे स्वर यंत्रमुखी स्पर्श की स्थिति कह सकते हैं। जो स्पर्श की जो स्थिति है, जो स्पर्श ध्वनियाँ हैं, स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों की ये चौथी स्थिति काम करती है। इस प्रक्रिया में क्लिक ध्वनियों का उच्चारण संभव हो सकता है, जो मुंडारी और अफ्रीकी भाषाओं में भी मिलता है। जो मैंने आपको एक दिन बताया कि हम जो ध्वनियों का जो उच्चारण करते हैं, ये सवाल कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्लिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं और कौन कौन सी भाषाओं में मिलती है। तो ये क्लिक ध्वनियाँ जो होती है वो ध्वनियों के विपरीत स्थिति होती है। जो फेफड़ों से प्राणवायु बाहर निकलती है उसमें ध्वनियों का उत्पन्न होती है, पर क्लिक ध्वनियों में जो है वो बाहर की जो ऑक्सीजन है, बाहर की जो हवा है, उसको अंदर की तरफ खींच करके जीभ में उसकी मुख्य भूमिका होती है। जो जीभ कहीं ना कहीं जा करके किसी से जा करके एक घर्षण करती है, वो घर्षण थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे आप गडरिए को अपनी भेड़ बकरियों को हाँकते हुए देखेंगे, या गाड़ी वाहन को, गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी के उसको इंस्ट्रक्शन करते हुए देखेंगे, या हम कभी आश्चर्य में भी ऐसी चीज़ें जो बोलते हैं तो हम क्लिक ध्वनियों का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते हैं हम इस तरह की जो ध्वनियाँ जो आती हैं वो ध्वनियाँ जो होती है वो क्लिक ध्वनियाँ कहलाती है। पाँचवीं जो स्थितियाँ हैं वो स्वतंत्रियों में तनाव की स्थिति होती है। इस अवस्था में एक दूसरे के अत्यंत निकट होने पर भी निकलने वाली प्राणवायु धक्के से उसमें उत्पन्न कंपन उत्पन्न होता है और ये फुसफुसाहट की स्थिति होती है। इसके अतिरिक्त एक अवस्था घोषत्व और अघोषत्व के बीच की भी मिलती है। तो दूसरी अवस्था ग्रसनी और स्वर के यंत्र मुख संयोग की स्थिति से मिलती है, जिसमें अरबी फारसी की जो ध्वनियों का उच्चारण होता है उसमें सहायक बनती है। और हिंदी में भी ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो पांचवी जो स्थिति में, जैसे आप बोलते हैं क क ख ख, जो ये नुक्ता जो लगा होता है उर्दू में जिसको हम बोलते हैं, ये जो डॉट एक साइड में लगा होता है, वो ऐसी जो ध्वनियों का उच्चारण होता है वो ऐसी स्थिति में ही होता है। पर मानक हिंदी में जो है इन ध्वनियों को नहीं माना गया है, और इन ध्वनियों को अगर जो है परंपरागत जो हमारी जो पुरानी जो हिंदुस्तानी की जो किताबें हैं जिसमें हिंदू उर्दू का इस्तेमाल होता था, तो उसमें ये स्थिति जो है देखने को मिलती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो स्वरतंत्रियों की जो स्थितियाँ हैं वो पाँच स्थितियाँ हैं। पहली में जो है वो नज़दीक होती है, दूसरी में अपेक्षाकृत दूर होती है, तीसरी में वो एक दूसरे के नज़दीक होती है पर वो जो निकलने वाली जो प्राणवायु है उसको रास्ता देती है, और इस तरह की जो है वो पांच स्थितियाँ स्वरतंत्रियों की हिंदी में मिलती है, जिससे हिंदियों की ध्वनियों का उच्चारण होता है। आगे हम बात करेंगे उसके जो दूसरे जो अवयव है उनके बारे में, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो हम कोमल तालु और जो हमारी जो अलजिव्या है, कोवा जो है, जिसको आप हम साधारण भाषा में कोवा बोलते हैं, इसकी जो स्थिति है वो ध्वनियों के उच्चारण में कैसी होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि कोमल तालु का वह हिस्सा जो कोमल है, मतलब जो पिछले वाला हिस्सा है अंदर की तरफ से आएंगे और बाहर की तरफ से आएंगे तो जो पिछला जो हिस्सा है वो जो है वो कोमल तालु होता है। इसके अंतिम छोर पर एक लटकता हुआ छोटा सा मांसपिंड है जिसे अलजिव्या या कोवा बोलते हैं, जो संचालन में कोमल तालु के साथ ही रहता है। ध्वनि उत्पादन की दृष्टि से इन दोनों अवयवों की संयुक्त अवस्था में तीन अवस्थाएं हो सकती है। कोवा और जो कोमल तालु है उसमें जो उसकी जो संयुक्त अवस्था है उसको देखकर उसकी दृष्टि से जो है उसको तीन स्थितियां मिलती है। पहली मिलती है, उसको बोलते हैं नासिका विवर का अवरुद्ध होना। जब हम मौखिक ध्वनियों का जो उच्चारण करते हैं, मौखिक ध्वनियों का मतलब जो केवल हम मुख से बोलते हैं तो उनको हम मौखिक ध्वनियाँ बोलते हैं, और मौखिक ध्वनियों का उच्चारण जब हम करते हैं तो ये जो कोवा होता है, ये लटकता हुआ जो मांसपिंड होता है, ये नासिका विवर को बंद कर लेता है, उसके दरवाजे को बंद कर लेता है, उसमें हवा को नहीं जाने देता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्राणवायु जो निकलती है, जो फेफड़ों से जो बाहर निकल सांस आती है, तो वो केवल मुख विवर से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, और ऐसी स्थिति में होती है तो वो जो है कोवा जो होता है वो नासिका विवर को बंद कर लेता है। इस अवस्था में ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं जिससे नासिका विवर का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस वायु को
मुख विवर्ष होकर के निकलना पड़ता है। केवल जो है वो सारी की सारी पफ ऑफ एयर है, जो प्राणवायु का जो पूरा का पूरा जो एक क्या कहते हैं उसको गुच्छ है, वो एक एक साथ निकलता है। मुख विवरण में फेफड़ों से निस्तृत वायु का सहयोग लेकर विभिन्न अवयवों के संचालन से अनेक भौतिक ध्वनियों का उच्चारण संभव हो जाता है, जैसे प फ, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं वो ऐसी स्थिति में उच्चरित होती हैं। दूसरी जो स्थिति है उसको मुख विवर के मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है। दूसरी स्थिति जो होती है इसमें कौवा क्या होता है, वो कोमल तालु नीचे हो जाता है, और कोमल तालु नीचे हो जाता है तो उसके रास्ते को जो वो बंद करके वो जो सारा का सारा जो पफ ऑफ एयर है, जो वायु से निकलने वाला जो प्रेशर है, वो केवल नासिका विवर से निकलता है, और ऐसी स्थिति में जो ध्वनियाँ उच्चरित होती है उसको हम नासिक की ध्वनियाँ बोलते हैं। जो हमारा जो हिंदी का जो पंचम पाँच वर्गों का पंचम वर्ण है वो सारी की सारी नासिक ध्वनियाँ ऐसे ही उच्चरित होती है। जैसे मुख विवर के मार्ग का अवरुद्ध होना, इस अवस्था में कोमल तालु और अलजिव्या की नीचे की ओर झुक जाते हैं, जिससे मुख विवर का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नासिका विवर खुल जाता है। फेफड़ों से निस्तृत वायु का अधिकांश भाग नासिका विवर से होकर निकलने लगता है, ऐसी स्थिति में नासिक व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण संभव हो पाता है, जैसे ए, ए, मैं, न, मैं, पांचों ध्वनि। तीसरी जो स्थिति होती है इसमें कोमल तालु और अलजिव्या के बीच में लटकाव की स्थिति, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोमल तालु और जो कौवा है वो दोनों के बीच में होता है, तो जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, वो दोनों मार्गों से बाहर निकलती है, मुख विवर से भी निकलती है और नासिका विवर से भी निकलती है। ऐसी स्थिति में जो होती है, इस अवस्था में ये दोनों भी के बीच में लटके रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नासिका विवर और मुख विवर दोनों ही खुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है हम अनुनासिक स्वरों के उच्चारण का संभव हो पाता। अनुनासिक स्वर कौन से हैं, जैसे आप ईंट, ईंट में ये है, ये ईंट जो है ये अनुनासिक स्वर में ई है, जो ई के साथ डॉट आया है, ये जो है ये अनुनासिक स्वर जो है इस ऐसी स्थिति में होती है, उस ऐसी स्थिति में वो दोनों के बीच में होती है और दोनों के बीच में से वो जो है उस स्वरों का स्थिति जो है बाहर निकलती रहती है। अगर इसको आप डायग्राम में समझना चाहें तो आप ये डायग्राम जो मैंने आपको पहले एक बार बताया था, ये वही है। जैसे ये स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र का ये है, ये स्वर यंत्र का मुख है, ये इसके ऊपर ये जो मांसपिंड जो लटकता हुआ जो बता रहे हैं आपको, ये जो है ये कौवा है, ये फिर उपली जिव्या है, ये जिव्या है, ये जीव के जो हिस्से हैं वो आपको हम आगे के उसमें बताएंगे। फिर ये आपका ये टॉन्सिल है, ये मेडिकल का उसका वो है, इसका ज़्यादा उसमें उच्चारण में नहीं होता, ये अलजिव्या इसकी हम जो बात कर रहे हैं ये है। फिर ये कोमल तालु है, ये तालु है जैसे ऊपर बताया, ये नासिका विवर है, ये यहाँ से जो आपकी जो श्वास वायु है ये इस तरह ये नासिका विवर। फिर ये मसूड़े हैं, ये आपके दांत हैं, ये आपके दोनों होंठ हैं, ये आपका निचला जबड़ा है, ये जिव्या मूल है, और ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है इससे ये जुड़े हुए होते हैं। ये आपको अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हिंदी के जो अवयव हैं उनको हम दो कैटेगरी में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसकी दो कैटेगरियाँ बनती हैं, दो श्रेणियाँ बनती है। एक होते हैं सचल अवयव जो कि अपने स्थान से दूसरे स्थान पर हिलते हैं, एक होते हैं अचल अवयव जो कि अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर रहते हैं। तो जो हिलने डुलने वाले जो अवयव हैं उनको सचल अवयव बोलते हैं, जो हिलते डुलते नहीं हैं उनको अचल अवयव बोलते हैं। तीसरा जो प्रमुख जो आधार है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें जो है कठोर तालु की जो स्थिति है, जो कोमल तालु के जो आगे का जो हिस्सा है, जो भारी बाहर की ओर निकलते हैं तो उसमें जो आगे का जो हिस्सा है तो उसका जो है उसमें कठोर तालु, तालु के मध्य का वह भाग है, पीछे कोमल तालु के बाहरी छोर से लेकर आगे वर्ष के अंत तक इसका फैलाव है, ये एक अचल स्थिर अवयव है। जिव्या नोक से जिव्याग्र तक इसके संपर्क में आकर ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, चैवर्ग की पांचों ध्वनियाँ स तथा अर्धस्वर ये यहीं से उच्चरित होते हैं। चौथी जो स्थिति है वो वर्ष की स्थिति है, वर्ष मंच मसूड़े जो हमने आपको बताया था, वर्ष के समूह के ऊपरी दांतों के पीछे का कठोर उभरा हुआ भाग है, इसे सामान्य भाषा में मसूड़े भी कहते हैं। कठोर तालों की ये की तरह ये स्थिर
अवयव है, अचल अवयव है, जिव्या नोक तथा जिव्या फलक एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्पर्श करके, तो दूसरी स्थिति में इसके अंतर अत्यंत निकट होकर ध्वनियों का उच्चारण में सहायक होती है, और ऐसी स्थिति में जो है र, ल और दंत स ये ध्वनियों का उच्चारण होता है। पांचवी जो स्थिति है उसमें सम्मुख के ऊपर दांतों की स्थिति है, इसके संपर्क में आकर निचला होंठ तथा जिव्या नोक ध्वनियों के उच्चारण में सहायक बनते हैं। निचला होंठ इन दांतों को अत्यंत निकट आकर फ ध्वनि उच्चरित करता है, तो जिव्या नोक इन्हें स्पर्श करके तयवर की ध्वनियों का उच्चारण करता करने में सहयोग करता है। तो ये जो है आपके जो है पांच स्थितियां हमने आपको बताई, इसके आधार पर आप ध्वनियों का जो प्लेस ऑफ वर्ड आर्टिकुलेशन है उसमें ध्वनियों का उच्चारण होता है। अब एक और महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो है जिव्या के विभिन्न भागों की स्थिति के आधार पर। जिव्या के विभिन्न भाग जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो जीभ है उसकी सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका होती है, और इसके पांच जो हिस्से होते हैं जिसमें एक होता है जिव्यामूल, एक होता है जिव्यामूल, दूसरा होता है जिव्यापश, तीसरा होता है जिव्याग्र, चौथा होता है जिव्या फलक, पांचवा होता है जिव्या नोक टिप ऑफ द टंग। ये जो पांच हिस्से हैं जीभ के, ये पांचों हिस्से जीभ के जो है ध्वनियों के उच्चारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम जीभ की जो है वो तीन स्थितियां हमें इसकी मिलती है। तीन स्थितियां कौन कौन सी मिलती है इसमें आप पहले देखेंगे तो जिव्या के विभिन्न भागों की स्थिति, तो जिव्या के जो पाँच भाग हैं उनकी विभिन्न स्थितियाँ मिलती है। उच्चारण ध्वनियों के उच्चारण में जिव्या के विभिन्न हिस्सों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसके सभी हिस्सों का आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। इसकी इनकी भूमिका का उल्लेख निम्न हो सकता है, जिसमें जिव्या के मूल भाग को जिव्या मूल कहते हैं, इसके आगे का भाग जिव्यापश कहलाता है जो जो इसके पीछे का हिस्सा है शिथिल अवस्था में होने पर कोमल तालु के नीचे पड़ा रहता है। जिव्याग्र के आगे का भाग जिव्या फलक है जो शिथिल अवस्था में वर्ष के नीचे रहता है, और जिव्या का सबसे आगे वाला भाग नुकीला हिस्सा है उसको जिव्या नोक कहलाता है, जिव्या नोक कहते हैं। तो जिव्या नोक के जो अभी आपको जो हमने पांच हिस्से बताए, ये जो पांचों हिस्से हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इनकी जो हम स्थितियों की जब बात करते हैं तो इनकी हमें तीन स्थितियाँ मिलती हैं। पहली स्थिति जो मिलती है उसमें जिव्या नोक की स्थिति की हम चर्चा करेंगे। सामान्य सम्मुख के ऊपरी दांत वर्ष मसूड़े तथा कठोर तालु को स्पर्श करके ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होता है, और तयवर की और टयवर की ध्वनियों को उच्चरित करता है। तो ये जो जिव्या नोक जो है, अगर कोई गहराई से आपका कोई कहीं प्रश्न पत्र सेट करता है या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस तरह से आता है, तो आपका तय वर्ग और टय वर्ग जिव्या नोक की स्थिति के आधार पर उच्चरित होते हैं। दूसरा जो है जिव्या फलक की स्थिति है, ये सम्मुख के ऊपरी दांत और वत्स के नीचे अति निकट होकर ध्वनि उच्चारण में सहायक बनता है। और तीसरी जो स्थिति इसकी है वो जिव्याग्र और जिव्या मध की स्थिति के बारे में है। ये कठोर तालु के सन्निकट होकर है ध्वनि के उच्चारण में सहायक बनता है। ए और ए आदि दीर्घ स्वरों के उच्चारण के समय ये कठोर तालु की ओर उठता है, पर इतना नहीं उठता कि घर्षण की स्थिति बने। जो कई सारे जो अपने आप को स्वनाम धन्य जो हिंदी को पढ़ाने वाले जो विद्वान बने हुए हैं वो लोग यहीं पे आकर के एक गलती करते हैं। वो ऐसी स्थिति में ये बताते हैं कि स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है, जबकि स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं होता है। मैंने पिछले अपने एपिसोड्स में भी आपसे ये बात कही थी, अब भी आपसे ये बात मैं कह रहा हूँ, और इसके लिए हमने आपको एक वीडियो भी एक दिखाया था जिसमें उसमें क्लियर कट उसमें ये दिखाया गया है कि स्वरों के उच्चारण में कोई भी उच्चारण स्थान क्रिएट नहीं होता है, नहीं बनता है, उसकी सृजना नहीं होती है, और वो केवल मार्ग को संकरा करते हैं। वो जो अवयव है वो मार्ग को संकरा करते हैं पर छूते नहीं हैं। जब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप किसी चीज़ को छुएंगे नहीं तो वो स्थान कैसे क्रिएट होगा, वो तो गोथ्रू की स्थिति होगी, और गोथ्रू की स्थिति होती है तो वो मार्ग को कहीं, जैसे आप जाते हैं एक हाईवे पे, आप जा रहे हैं हाईवे पे, जाने के बाद अचानक से पुल आ जाता है, पुल पे उतना चौड़ा नहीं होता जितना हाईवे होता है, तो ट्रैफिक कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें उस पुल के माध्यम से निकलना पड़ता है। सेम यही स्थिति स्वरों की स्थिति होती है, पर वो जो है वहाँ पर पे उसको जो है
कोई स्थान क्रिएट नहीं होता, उसमें मैनर होता है, तरीका होता है, विधि होता है, प्रयत्न होता है, जिसकी वजह से सुरों का उच्चारण स्थान नहीं माना जाता है। और ये ग्रसन की स्थिति उत्पन्न हो, जिव्या मध्य कठोर तालों की ओर ऊपर उठ करके ए के उच्चारण में सहायक बनता है और ये उसका जो मार्ग है उसको फिर से बाधित नहीं करता, उसको रोकता नहीं है, उसके मार्ग को संकरा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो है उच्चारण स्थान स्वरों का नहीं होता है और ये स्थिति हम आगे की स्लाइड्स में भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो स्थिति है वो जिव्या पश्य की स्थिति है। ये कोमल तालु को स्पर्श करके कैवर की ध्वनियों का उच्चारण करती है और इस तरह से आपकी ध्वनियों का उच्चारण होता है। अंत में एक स्थिति जो मिलती है वो सातवीं स्थिति है, जिसको हम होठों की स्थिति कहते हैं और होठों का भी ध्वनियों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होठों की भूमिका क्या होती है इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत होठों की स्थिति का विशेष महत्व है। इनमें भी निचला होठ अधिक महत्व का है क्योंकि वो सक्रिय होता है। पैवर की ध्वनियों के उच्चारण में दो होठों की भूमिका सक्रिय होती है, दोनों होठों उसमें काम आते हैं, जिनमें दोनों होठ पहले आपस में जुड़ जाते हैं, फिर क्षणभर जुड़े रहने के बाद झटके से अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो पैवर की ध्वनियों का उच्चारण होता है। अन्य व्यंजनों के उत्पादन में भी इनकी सक्रिय और तटस्थ भूमिकाएँ देखी जा सकती है। स्वरों के उच्चारण के समय इनकी मुख्यतः तीन अवस्थाएँ होती है, एक होती है गोलाकार, दूसरी होती है अगोलाकार, तीसरी होती है तटस्थ। पहली स्थिति जो होती है उसमें ऊ ध्वनियों का उच्चारण होता है, जैसे ऊ तो होठ हमारे जो है राउंड शेप में होते हैं, गोल शेप में होते हैं। ऐसी स्थिति में जो है अगोलाकार होती है, तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें होठ जो होते हैं हमारे गोल नहीं होते हैं, जैसे ई में तटस्थ हो गए, फैले हुए होठ हो गए, तो ये ई ए जो है ये अगोलाकार स्थिति में आते हैं। तथा एक होती है तटस्थ स्थिति, जैसे आ और आ के उच्चारण में होती है, ऐसे ही ये जो ओ और औ जो होता है ये भी गोलाकार स्थिति में उच्चरित होते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो उच्चारण अवयवों को उनकी चंचलता मीन्स सक्रियता, चंचलता मीन्स सक्रियता, एक्टिवनेस के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला उन वर्ग का होता है जिनमें अवयवों को हम आसानी से हिला डुला सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन्हें हम जो है करण या सचल अवयव बोलते हैं। ये करण शब्द जो है भाषा विज्ञान में इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इससे भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि जो हमारी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि करण किसे कहते हैं, तो करण से आपको सिंपल सी बात है कि जो सचल अवयव है उन्हीं को करण कहते हैं। जिनमें निचला होठ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपके जो सचल अवयव है वो करण कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे तो इसमें निचला होठ जो है वो सचल अवयव है, जिव्या के फलक हैं वो सक्रिय अवयव है, जिव्याग्र है वो सक्रिय अवयव है, जिव्या पश्च है ये भी सक्रिय अवयव है, और स्वरतंत्रियों में सम्मिलित हो सकती हैं। ये जो स्वरतंत्रियों में की जो स्थितियाँ होती है उसमें भी आगे पीछे ऊपर नीचे होती है, ऐसी स्थिति में इनको जो है करण बोलते हैं, सचल अवयव बोलते हैं। दूसरा वर्ग उन ध्वनियों अवयवों का है जो स्थिर तो है पर कम चंचल है, उन्हें अचल अवयव नाम दिया जा सकता है। और इसमें जो है सबसे पहले ऊपरी होठ है, सम्मुख के दांत हैं ऊपर के, वर्ष हैं मसूड़े हिलते डुलते नहीं है, कोमल तालु है हिलता डुलता नहीं है, स्वरयंत्र मुख है हिलता डुलता नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अचल अवयव कहलाती हैं, अपने स्थान से जो है हिलती डुलती नहीं है, तो ऐसे में उनको जो हम अचल अवयव बोलते हैं। ऐसी स्थिति में एक जब हम देखते हैं तो सुरों जो हम सुरों की जो बात कर रहे थे तो सुरों की जब बात कर रहे थे तो ये आप एक रेड कलर का जो त्रिकोण देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये जो आपका जो ये त्रिकोण है इसको स्वर त्रिकोण बोलते हैं, और इसकी जो स्थिति है वो इस तरह से होती है, ये आपके मुख का जो अंदर का जो हिस्सा है जो हम मुँह चौड़ा करते हैं, तो मुँह चौड़ा करने के साथ साथ इसमें जो स्थितियाँ बनती है वो इसमें कुछ 6-8 पॉइंट्स बन 10 पॉइंट बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक यहाँ पे 10। ये हमारे ध्वनि जो हिंदी के जो स्वर ध्वनियाँ हैं 10 स्वर ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण की प्रक्रिया है। और एक हमारा जो अंग्रेजी से जो आगत जो ओ आया है जिसको हम ऊपर जैसे हम लिखते हैं होल,
तो ये अंग्रेजी से एक आगत स्वर है, ऐसे कुल मिलाकर के हिंदी में जो है वो 11 स्वरों की स्थिति बनती है। इसके ऊपर हम जो है आगे की क्लास में डिटेल से बात करेंगे। आज हमने जिन चीज़ों पे बात की उसमें आपने देखा कि हमने जो इसके जो उच्चारण अवयव है उसके ऊपर बात की, और ये जो उच्चारण अवयव एक बार आप पुनः उसको देखेंगे तो आज हमने जो हिंदी के जो सारे जो उच्चारण अवयव है उस पर हमने बात की। और ये जो आपने ये फिगर देखा, ये हमने इनके जो हिंदी के जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में आपसे चर्चा की। पहला स्वर यंत्र कोमल तालु, तालु कठोर तालु, मसूड़े, दुओष्ठ, दंतोष्ठ, और ये आपका जो है दांत। और ये आपने हमने जो डिस्कस की यहाँ पे स्वर यंत्रियों की, हमने 5 स्थितियों का जिक्र किया। कोमल तालु और अलजिव्या के हमने 3 स्थितियों का जिक्र किया। और ये जो है ये आपके जो स्थिर अवयव है, फिर हमने मसूड़ों की स्थिति देखी, दुओष्ठों की स्थिति देखी, दंतोष्ठ की स्थिति देखी, दांतों की स्थिति देखी। और इस तरह से जो हमारी जो हिंदियों के जो उच्चारण स्थान जो है, हिंदी में जो ध्वनियों के जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा। आगे की क्लास में हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें हम उच्चारण विधि की बात कर रहे थे, उच्चारण विधि के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। आप आलोकन अकेडमी के उस ऐप को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले जो हमारे जो वीडियोज हैं उसके बारे में पहले से सूचना मिल सके। और कुछ कुछ कभी कभी तो हमारी लाइव भी होती है, उन लाइव में भी आपको सूचना मिल जाएगी। आप इस क्लास में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।